एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हाँ गोस्वामी, खालिद बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। हाँ वालेकुम सलाम। अरे सुन यार, यार तेरे पेपर में अपनी फोटो वोटो छपा ना यार। हाँ नहीं मैं क्या करता हूँ, अगली बार नायक साहब एनकाउंटर करते हैं ना, तो एक डेड बॉडी पकड़ के उस पर पैर डाल के फोटो खिंचवा लेता हूँ। हाँ डालना यार तेरे पेपर में यार। हाँ दूंगा ना, 5,000 रुपये दूंगा। हाँ यार अपने को भी प्रमोशन मिले ना, ये साला इधर हेड कांस्टेबल बन के कब से लटक गया हूँ। ठीक है ओके, खुदा हाफिज भाई। क्या कंप्लेंट है भाई बोल। साहब मेरी बीवी भाग गई साहब। क्या बात करता है, अरे वाह, ऐसा क्या किया यार, जरा हमको भी तो सिखा। अबे ये क्राइम ब्रांच है, इधर ऐसी कंप्लेंट नहीं लिखाने की। ओ गली के नाके पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पे 16 नंबर का बीट है, उधर जाके शिंदे को लिखा। शिंदे? हाँ वो बीवी पकड़ने में एक्सपर्ट है, उसकी खुद की बीवी 5 बार भाग गई थी ना। क्या बात कर रहा है? जा और सुन सुन सुन, उसको बराबर लिखा ना, तेरी बीवी काली थी, गोरी थी, मोटी थी, पतली थी, मेल थी, फीमेल थी। मेल? अबे जाना पानी कम जाना है। नाम देव? हाँ खालिद भाई। तेरी जेब खाली है क्या? क्यों? मेरे को पान थूकने का है। क्या मजाक करता है खालिद भाई, आपको पता है कल पेपर में आया था क्या, इतना पान खाने से मुंह का कैंसर होता है। क्या बात करता है यार? तो तौबा तौबा तौबा, कल से बंद। पान बंद? अरे नहीं रे, पेपर बंद पगले। ये पान वान छोड़ो और कल से दूध भी पिया करो। अरे तुझे पता है यार, कल मेरे मोहल्ले में एक आदमी दूध पीते पीते मर गया। वो कैसे? अरे मजे से दूध पी रहा था, अचानक उस पे भैंस बैठ गई। क्या खालिद भाई आप भी। हेलो। यस सर, अभी मैं अप्पा साहब को बताता हूँ। ओके you
साला शराब बनता है, भाई बनने का बहुत शौक है तेरे को। हाँ चल चल, मैं से मार दूंगा। उसे मार देगा तो तू बच जाएगा लगता। नया नया है, क्या नाम है तेरा? हेमंत पांडे। क्या बोला? हेमंत पांडे। हेमंत पांडे, तेरा नाम तो नहीं है लिस्ट में है? अभी अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ सब, नया नया ज्वाइन किया हूँ। नया नया कंपनी ज्वाइन किया तो फटाफट छोड़ देना, चल जा चल जा। बोला ना छोड़ दे वरना ठोक डालूंगा साला। छोड़ डाल उसको, जोर वोर दे, सरेंडर कर, डाल जल्दी साला, बचेगा अभी, चल जा। ए दशरथ पाटिल, साला अप्पा को एड़ा समझता है। बैंगलोर से आया अप्पा, और भाई दिन आने पांडे। बलिया, मेरे को लग रहा है मुंबई शहर में म्युनिसिपैलिटी के कुत्ते कम मर रहे हैं, मेरे आदमी ज्यादा। पठान का ताव तुम जानते हो ना, पुलिस को जरा समझा देना। पठान फिकर मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी, बाद में बात करते हैं। पुलिस की मनमानी कब तक चलती रहेगी? आखिर जनता को जवाब देना होगा। ह्यूमन राइट्स का सवाल है। प्लीज प्लीज, ब्लडी मीडिया, बैठिए, प्लीज सिट डाउन। आप लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? दिन दिहाड़े इस तरह के एनकाउंटर को ह्यूमन राइट्स वाले पुलिस का अत्याचार कह रहे हैं। अगर आप पुलिस के इमेज को सुधार नहीं सकते तो कम से कम उसे बिगाड़िए तो मत। सर लेकिन वो लोग तो पठान के शूटर्स थे, अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो। शट अप, तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई जिंदा नहीं पकड़ा जाता। एनकाउंटर कर करके तुम क्या मीडिया के स्टार बनना चाहते हो? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने जिन लोगों को मारा उन पर एक्सटॉर्शन और मर्डर के केसेस थे, और सवाल मुझसे पूछा। स्टॉप इट विक्रम, तुम तो क्राइम ब्रांच में इसके सीनियर हो, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। जाने दीजिए सर, जवान है, जवानी का आलम है, इस उम्र में लड़ेगा नहीं मारेगा नहीं तो फिर जवानी किस काम की सर। मेहरबानी करके आप अपनी फिलॉसफी बंद कीजिए। लिसन, नेक्स्ट टाइम यू बेटर बी केयरफुल, अंडरस्टैंड सर।